सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजना है। बहनों और भाइयों, चार चरणों के चुनाव के परिणाम और उसके रुझान जो अब तक दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान इस बात को बताते हैं विपक्ष के अंदर मची खलबली, विपक्ष के अंदर आई बौखलाहट, उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है और पूरे देश कारण भी है। पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, पूरे देश के अंदर एक ही भाव सर्वत्र दिखाई दे रहा है और वह है कि फिर एक बार, थोड़ा आजमगढ़ की भाषा में बोलो जोर से, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार। बहनों और भाइयों, जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा की हालत खराब होती है, उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। वे पूछते हैं 400 पार कैसे होगा, तो जनता जनार्दन एक बात कहती है, जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। बहनों और भाइयों, पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव अब तो राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में जाकर के सिमट गया है। जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा पे सेंध लगाई थी, जिन्होंने हमारे आराध्य देवों के पवित्र स्थलों को पवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को आतंक की गतिविधियों का गढ़ बनाने का प्रयास किया था, जिन लोगों ने विकास बाधित किया था, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ में इसलिए आया हूं, निरुवा ने मात्र 2 वर्ष के अंदर आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए अहर्निश प्रयास किया और आज आजमगढ़ में दिखाई भी देता है। आप देख रहे होंगे आजमगढ़ में या तो 4 लेन की कनेक्टिविटी है या 2 लेन की कनेक्टिविटी है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी बन गया है। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण भी हो रहा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण भी हो गया है और अब आजमगढ़ को लोग शक और अविश्वास की नजरों से नहीं देखते,